नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आज तक के चार एंकरों के साथ पीएम मोदी का इंटरव्यू देखकर मुझे अक्षय कुमार का एक विज्ञापन याद आ गया, जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैकपाइप पर सोडा। तो पीएम मोदी को अपने इंटरव्यू से पहले एक प्रोमो तैयार करना चाहिए और इंटरव्यू टेलीकास्ट होने से पहले हर चैनल पर यह प्रोमो होना चाहिए कि खूब उड़ाएंगे विपक्ष का मजाक जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और कैमरा। क्योंकि इसी अंदाज में पीएम मोदी के इंटरव्यू हो रहे हैं, जहां एंकर कैमरे के सामने पीएम मोदी के साथ मिलकर राहुल गांधी का और विपक्षी नेताओं का जमकर मजाक उड़ाते हैं और उसको खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि इंटरव्यू नहीं, मस्करी चल रही है। सुधीर चौधरी और राहुल कंवल, इसके अलावा दो महिला एंकर मिलकर पीएम मोदी का इंटरव्यू लेते हैं और इसका जो प्रोमो शेयर किया गया उसे देखकर प्रियंका चतुर्वेदी ने जबरदस्त क्लास लगाई है, क्योंकि इस प्रोमो में एक तरह से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया है और एंकरिंग की, पत्रकारिता की सारी मर्यादा भूलकर एंकर किस तरह पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते हैं। जरा हल्की सी एक झलक आपको दिखाता हूं जो वीडियो प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया, जरा देखिए। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। अब राहुल कंवल तो कुर्सी से उछलने लगते हैं, मतलब इतना मजा आ रहा है राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में। पीएम मोदी बोलते हैं कि कौन राहुल, इसको लेकर जब पीएम मोदी ऐसी डायलॉगबाजी करते हैं तो सारे एंकर हंसने लगते हैं, खूब ठहाके लगते हैं पीएम मोदी के साथ। तो विपक्ष के नेताओं का जरा भी मान सम्मान नहीं है, पत्रकारिता का भी जरा भी मान सम्मान नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर सुधीर चौधरी और बाकी एंकरों की क्लास लगाई है। दो तीन ट्वीट किए प्रियंका चतुर्वेदी ने, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाता हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा आज तक की टीम को। और पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर भी एक और खुलासा किया है प्रियंका चतुर्वेदी ने, कहा कि प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू एक मजाक है क्योंकि पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता और तर्क को पीछे छोड़ दिया है, वास्तव में ये सबसे सॉलिड भक्ति है। तो यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करती हैं कि लॉजिक को पीछे छोड़ दिया है, पत्रकारिता को पीछे छोड़ दिया है और सब एंकर मजाक कर रहे हैं इंटरव्यू के नाम पर और भक्ति सबसे सॉलिड हो गई है इनके लिए। आगे प्रियंका चतुर्वेदी इंटरव्यू को लेकर एक और खुलासा करती हैं कि इंटरव्यू में कैमरा किसका इस्तेमाल होता है, टीवी चैनलों का कैमरा इस्तेमाल होता है या फिर पीएमओ इंतजाम करता है। इसके बारे में प्रियंका चतुर्वेदी एक बड़ा दावा करती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि तो जाहिर तौर पर अपने दिमाग और पत्रकारिता की डिग्री को पीछे छोड़ने के अलावा मुझे किसी ने बताया है कि उन्हें अपने खुद के कैमरे सेट करने और अपनी कैमरा टीम को वहां रखने की भी अनुमति नहीं है, सभी का इंतजाम पीएमओ इंडिया द्वारा किया गया। अपनी पत्रकारिता पर इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद वो इंटरव्यू देने के लिए सहमत हो जाते हैं। दुख की बात है कि पत्रकारिता पर मजाक चल रहा है। तो आज तक के एंकरों की इस मस्करी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी क्लास लगाती हैं कि पत्रकारिता और लॉजिक को भुला दिया गया है और इस बात का बुरा भी नहीं मानते कि चैनल के कैमरों की बजाय पीएमओ खुद कैमरे का इंतजाम करता है, पीएमओ सारा सेटअप लगाता है। और दावा करती है कि इन एंकरों को इस बात का भी बुरा नहीं लगता कि इनके चैनल के कैमरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, पीएमओ सारा इंतजाम करता है। हालांकि बुरा क्या मानना है, पीएम मोदी 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इस बात का भी बुरा नहीं लगता। तो कैमरा तो एक छोटी मोटी चीज है, कई बार पीएम मोदी एंकरों को मुंह पर बोल देते हैं कि आप तो गांधी परिवार की चापलूसी करते हैं, मीडिया गांधी परिवार का खास ख्याल रखता है। तो मोदी जी की भक्ति करने के बावजूद जब ऐसा सुनने को मिलता है तो मन ही मन ये सारे एंकर सोचते होंगे कि हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई। तो बुरा मानने वाला कल्चर पीछे छूट गया है, जब मीडिया को बुरा लगा करता था अब तो ये एंजॉय करते हैं, पीएम मोदी के साथ मस्करी करते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, फिर पीएम मोदी ये आरोप भी लगा देते हैं कि आप तो राहुल गांधी और कांग्रेस का खास ख्याल रखते हो, कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर उस तरह के सवाल आपने नहीं पूछे। हालांकि एंकर सवाल तो पीएम मोदी से नहीं पूछते, काउंटर सवाल तो बीते जमाने की बात हो गई है। जैसे रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी से सवाल पूछा घुसपैठिया वाला, तो बहुत अच्छा लगा, लगा कि बड़ी हिम्मत आ गई। लेकिन पीएम मोदी जब कुछ भी बोलकर चले गए कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में राजनीति करने लायक नहीं रहूंगा, तो निहाल हो गई रूबिका लियाकत। ये भी भूल गई कि जो घुसपैठिए वाला सवाल किया था उसका जवाब तो दिया नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल किए गए लेकिन पीएम मोदी कुछ भी बोलकर निकल गए कि मैं अगर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना नहीं लेकर आता तो पता भी नहीं चलता। किसी भी एंकर ने काउंटर सवाल नहीं किया कि अगर आप इतनी पारदर्शिता चाहते थे तो आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का विरोध क्यों किया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
इस तरह के काउंटर सवाल किसी ने नहीं किए। किसी भी एंकर ने, पीएम मोदी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे चुके हैं, एंकरों को इंटरव्यू दे चुके हैं, कई सारे संपादक बिठाकर उनको इंटरव्यू दे चुके हैं, उसके बावजूद किसी एंकर ने यह सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी आप अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, आप अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बताते थे, ऐसे नेताओं पर आपने पलटी क्यों मार ली। इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अमित देवगन ने सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राम मंदिर का फैसला बदल देगी, तो पीएम मोदी कहकर निकल जाते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा। एंकर के अलावा रिपोर्टर भी कमाल कर रहे हैं। कल मैंने एबीपी न्यूज पर पीएम मोदी का रोड शो का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें इंटरव्यू करने वाले रिपोर्टर ही सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप तो कमाल कर रहे हैं, आपने तो कमाल कर दिया है, आप लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा अब तक रुझान दिखाते हैं, खुद ही भविष्यवाणी कर डालते हैं, और फिर सारे सवाल करने के बाद, सारी तारीफ करने के बाद, ये भविष्यवाणी करने के बाद कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आखिर में पूछता है क्या लगता है आपको विपक्ष आपको टक्कर दे पाएगा। मतलब क्या चल रहा है मजाक, जब आप अपने खुद के मुंह से बोलते हैं कि पीएम मोदी जीतने वाले हैं, खुद ही भविष्यवाणी कर दी, उसके बाद इस सवाल का क्या लॉजिक है। तो इस तरह पीएम मोदी को खुश करने की कोशिश की जाती है इंटरव्यू में। कोई एंकर कहती है कि आपको देखकर महिलाओं की आंखों से सैलाब उमड़ने लगता है, जबरदस्ती पीएम मोदी को रुलाने की कोशिश की जाती है, बार बार उन्हें उनकी मां की याद दिला दी जाती है, उसके बाद कैमरा को जूम करके पीएम मोदी की आंखों में आंसू तलाशे जाते हैं, और पीएम मोदी जब विपक्षी नेताओं पर बोलते हैं तो एंकर ठहाके लगाते हैं। तो इस तरह की नौटंकी चल रही है इंटरव्यू के नाम पर। यह कोई नहीं पूछ रहा कि आप धर्म के नाम पर खुल्लम खुल्ला राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्या चुनाव आचार संहिता का आपको पालन नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी मजाक कर जाते हैं कि मेरे लिए राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मंदिर के नाम पर मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। हर रैली में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाते हैं, और फिर दावा कर जाते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान राजनीति नहीं करता, मैं राम मंदिर के ऊपर भी राजनीति नहीं करता, और एंकर रिपोर्टर कोई काउंटर सवाल नहीं करते। ऐसा लगता है कि बूथ बनाकर बिठा दिए गए हैं, और सवाल देकर भी बिठा दिए गए हैं कि ये सवाल पूछना है, सिलेबस से बाहर गए तो भैया अच्छा नहीं होगा। इस अंदाज में पीएम मोदी के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और एंकरों का जो स्वाभाविक जो नेचर है, जो खुलकर हंसना बोलना, वो तब सामने आता है जब विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मोदी के इंटरव्यू देखकर मुझे वो विज्ञापन याद आ गया कि मिल बैठेंगे तीन यार, खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और कैमरा। आप मोदी के इंटरव्यू के नाम पर ऐसी मस्करी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।